बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे चावलों वाली खीर। मैंने यहाँ पर एक कटोरी चावल को धोकर भिगो के रख लिया हुआ है। ये भिगते हुए चावल आधा घंटा हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने एक कटोरी शक्कर लिया हुआ है, यहाँ पर कंडेंस मिल्क है और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं। चलिए जी बनाते हैं खीर। यहाँ पर मैंने पतीले में 1 लीटर दूध को गर्म कर लिया हुआ है। ये अच्छे से गर्म हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमने पीसा हुआ था ना चावल, चावलों को मैंने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था, थोड़ा दरदरा सा पीस लिया था, पूरा बारीक नहीं पीसा था, पेस्ट नहीं बनाया था। ये जो हमने पीस लिया हुआ था चावल, इसमें मैं डालकर थोड़ा सा इसको पका लूँगी ताकि ये हमारे चावल अच्छी तरीके से गल जाएँ। इसको लगातार चलाना है चम्मच को, इसको छोड़ना नहीं है वरना फिर नीचे से ये लगना शुरू हो जाएगा। हम इसको लगातार चलाएंगे, चलाकर है ना जो हमने पीसा हुआ था ना चावल दरदरा सा, वो गलने तक इसको हम पकाएंगे। तो देखिए जी थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है, यानी इसका मतलब ये है कि ये गल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क। ये बहुत मज़े की बनी थी खीर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आप किस तरीके से बनाते हैं खीर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये देखिए जी माशाल्लाह, ये सिंपल और इजी खीर है। हमने एक कटोरी शक्कर भी डाल दिया है। अगर देखती हूँ मैं, अगर मीठा बराबर है तो नहीं डालूँगी शक्कर, और अगर कम है तो और शक्कर डालूँगी। इसमें मैं हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे, पिसी हुई इलायची। देखिए जी और थोड़ी मैं शक्कर इसमें डाल रही हूँ, यानी 2 कटोरी शक्कर हो गई। और मिल्क मेड भी डाला है हमने इसमें, यानी कंडेंस मिल्क, उसके वो भी मीठा ही होता है ना। हमने 1 स्पून यहाँ पर वेनीला एसेंस डालेंगे। वेनीला एसेंस डालना ज़रूरी है क्योंकि खीर बहुत मज़े की बनती है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें, इस तरीके से बनाकर एसेंस डालकर बनाएं, बहुत मज़े की खीर बनती है। सर्दियों में तो खाने का मज़ा ही अलग है, गरम गरम खीर। अब हमने यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स को दरदरा सा पीस लिया था, ये सारा इसमें हम डाल देंगे। ये बहुत मज़े की बनी थी, आप इस तरीके से आप घर में ज़रूर ट्राई करें। बहुत कम चीज़ों से बन जाती है, सिर्फ शक्कर, दूध और ड्राई फ्रूट्स, चावल। चावल तो घर में होते ही हैं ना। आप चाहें तो बासमती से भी बना सकते हैं, मैंने नॉर्मल चावलों से बनाया है खीर को। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, लाइक करना ना भूलें और वीडियो को फुल वॉच करें। ये देखिए जी गाढ़ी हो गई है हमारी खीर, ठंडी होकर और थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए जी थोड़ा सा हम इसको गार्निश कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।